हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से सरल और आसान शब्दों में आपको बतलाने वाले हैं चुकंदर की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती की ए टू जेड संपूर्ण जानकारी। चुकंदर की खेती कब और कैसे करना चाहिए, कौन कौन सी बीमारी आती हैं, उनको आप समय रहते सस्ते पर कैसे कंट्रोल और रोकथाम कर सकते हैं, अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए कौन सी खाद, कौन सी न्यूट्रिएंट की पूर्ति करना है, सस्ती हों बढ़िया कौन सी खादें हैं, कौन सी दवाइयां हैं, कितनी लागत लगती है, कितना मुनाफा होता है, कितना प्रोडक्शन होता है, कितने दिन की यह टोटल फसल है, कौन कौन सी समस्याएँ देखने के लिए मिलती हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी इस चैनल पर इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। नमस्कार, मैं हूं शिव कुमार और आप देख रहे हैं भारतीय कृषि नेटवर्क एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा वॉच करना है ताकि आप भी चुकंदर की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा आप कमा पाएँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन्नतशील किस्में, जो वैरायटी आती हैं ज़्यादा उत्पादन देने वाली किस्मों के ऊपर बात करते हैं। तो जो पहली किस्म है नामधारी की वीट रूट माधुर के नाम से आती है, इसके अलावा रेड वॉल के नाम से आती है, सिंजेंटा कंपनी की रेडी के नाम से आती है, इसको भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं, चुनाव कर सकते हैं। इसके अलावा सकाटा की भी कुछ वैरायटी आती है जो कि आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं। यह जो वैरायटी हैं जो आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली किस्में हैं, चाहो आप श्रीराम की, सकाटा की, तो इन किस्मों को आप लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छी यील्ड प्राप्त होती है। और भी आप के एरिया पर, राज्य पर, क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से उपयुक्त वैरायटी का ही सिलेक्शन चुनाव करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं उन्नत समय, यानी अनुकूल जो समय है, सूटेबल जो टाइम है। चुकंदर की खेती वैसे तो 12 महीने पर हमारे किसान भाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए अनुकूल समय, क्योंकि खेती तो कर सकते हैं, बाज़ार भाव भी मिलना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो बाज़ार भाव अच्छा मिले तो इसके लिए आप स्पेशल बरसात के दिनों पर आप जुलाई से अगस्त महीने के आसपास खेती कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप गर्मियों के दिनों पर कर रहे हैं तो नवंबर से दिसंबर महीना काफ़ी अनुकूल माना जाता है। और यदि आपको सर्दियों पर चुकंदर को बाज़ार में भेजना है तो इसके लिए अक्टूबर माह पर आप बुआई कर सकते हैं चुकंदर की, काफ़ी बढ़िया आपको बाज़ार भाव मिलेगा। जो हमने टाइमिंग आपको बताया है, काफ़ी अच्छा बाज़ार भाव भी मिलेगा और काफ़ी अच्छे से फसल आपकी तैयार हो जाएगी। तापमान और जलवायु, तो जो चुकंदर की क्रॉप है इसके लिए जो टेम्परेचर, जो तापमान की अगर आवश्यकता की बात करें तो मिनिमम कम से कम 12 से 14 डिग्री सेल्सियस का जो तापक्रम है काफ़ी अनुकूल माना जाता है। और वहीं अधिकतम की बात करें तो 35-36 डिग्री सेल्सियस तक का जो तापक्रम है, टेम्परेचर है, काफ़ी अनुकूल माना जाता है। बात करते हैं खेत की तैयारी और सोयल। तो खेत की तैयारी आपको किस प्रकार करना है, आइए सरल और आसान शब्दों में समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सोयल। तो चुकंदर की खेती आप काली मिट्टी, काली दोमट, पीली मिट्टी पर खेती कर सकते हैं। हल्की भूमि है तो भी उपयुक्त है, भारी भूमि है बस उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए। उपयुक्त जीवाश्म पदार्थ वाली जो सोयल होती है काफ़ी अनुकूल मानी जाती है। मृदा की पीएच वैल्यू 5.5 से लेकर 7.5 तक चल जाती है। तो बात करते हैं खेत की तैयारी यानी फार्म प्रिपरेशन। तो खेत की तैयारी सर्वप्रथम मीडियम गहराई में, जैसे चलने वाले कल्टीवेटर है, डक फिट है, तोता हज़े, आपको पहली और आपको दूसरी प्लॉविंग कराना चाहिए। अब अंतिम जुताई पाटा लगाकर खेत को समतल कराएं या फिर रोटोवेटर से मिट्टी को भुरभुरी कराने वाले जो यंत्र होते हैं, रोटोवेटर से ठीक तरीके से आपको मिट्टी को भुरभुरी करा लेना है। तो इस प्रकार आपको खेत की तैयारी कराना है। बस बरसात के दिनों पर खेती कर रहे हैं तो जल भराव ना हो, उत्तम जल निकास का प्रबंध, मैनेजमेंट होना बहुत ही जरूरी है। प्रति एकड़ सीड्स, यदि आप चुकंदर की खेती एक एकड़ पर करते हैं तो आपको 1 किलोग्राम सीड्स की आवश्यकता पड़ने वाली है, यानी लगभग लगभग ये मान लीजिए
एक किलोग्राम सीड्स यदि आप बुआई करते हैं, ब्रॉडकास्ट विधि से करते हैं, छिटका विधि से करते हैं, या फिर खेती मशीनरी विधि से आप बुआई करते हैं, तो तकरीबन एक किलोग्राम सीड्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। बात करते हैं बेड तैयार एंड प्लांट डिस्टेंस। तो बेड किस प्रकार तैयार करना है और आपको दूरी कितनी रखनी है, हम जो आपको जानकारी शेयर कर रहे हैं बेड विधि से आपको चुकंदर की खेती कैसे करना चाहिए, वीडियो पर बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं बेड तैयार। तो बेड में ही आपको चुकंदर को लगाना है, इससे फ़ायदा क्या होगा, कंदों का बहुत अच्छा विकास होगा, काफ़ी बढ़वार देखने के लिए मिलेगी, फसल में उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त होगा। तो बेड मेकर या फिर बेड राइजर्स जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं, इस प्रकार आपको बेड तैयार कराना है। बेड तैयार कराने के लिए जो डिस्टेंस है, बेड की चौड़ाई आपको रखनी है 2.5 फीट, और बेड से बेड की जो दूरी आपको रखनी है 2.5 फीट रखनी है, और बेड की ऊंचाई आप 1 फीट रख सकते हैं। बात करते हैं प्लांट डिस्टेंस। तो एक बेड पर 6 से 8 लाइनों पर आपको बुआई करनी है, ब्रॉडकास्ट विधि से भी कर सकते हैं, बस जो आपको बुआई करनी है बेड के ऊपर ही करनी है। 6 से 8 लाइन अधिकतम आप एक बेड पर बो सकते हैं, और सीड्स की दूरी, बीज से बीज की जो दूरी आपको रखनी है 5 से 6 सेंटीमीटर आप रख सकते हैं। इसके अलावा डेप्थ की बात करें, गहराई की बात करें, तो 2.5 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर आप बुआई को कर सकते हैं। तो यह जो डिस्टेंस है काफ़ी अनुकूल माना जाता है यदि आप बेड विधि से चुकंदर की खेती कर रहे हैं। तो बेसल डोज यानी बुआई के समय खाद, तो बुआई के समय जो खाद का प्रयोग आपको करना है, कौन कौन सी खादों को प्रयोग करना है, क्योंकि प्राथमिक जो स्टार्टिंग के न्यूट्रिएंट की आप पूर्ति करते हैं स्टार्टिंग के दिनों पर, तो काफ़ी ज़्यादा रोल निभाते हैं और काफ़ी ज़्यादा उत्पादन को बढ़ाते हैं। तो न्यूट्रिएंट की पूर्ति भाई साहब आपको कौन कौन सी खादों करना है, यानी बुआई के समय आपको जो हम खादें बता रहे हैं, इन खाद को यदि आप देते हैं तो उत्पादन में 4 चांद लग जाएंगे। तो बुआई के समय जो खाद देने हैं, वेट तैयार करते समय जो न्यूट्रिएंट की पूर्ति आपको करनी है, एसएसपी, अब एसएसपी क्या है, इसमें सिंगल सुपर फॉस्फेट है, इसमें फास्फोरस भी है, इसमें सल्फर भी है, कैल्शियम भी है, जिंक भी होता है। तो इसको आपको लेना है 150 किलोग्राम लगभग 1.5 क्विंटल। इसके अलावा डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट 1846 की हम बात कर रहे हैं, तो इसकी जो क्वांटिटी आपको रखनी है 40 किलोग्राम। अब इसके अलावा हमको एमओपी का भी प्रयोग करना है, यानी म्यूरेट ऑफ पोटास 30 kg, 30 किलोग्राम 30 किलोग्राम आपको प्रयोग करना है। और दीमक की भी यदि समस्या देखने के लिए मिल रही है, तो ये मान लीजिए 5 किलोग्राम फिप्रोनर 0.3% इन बायर कंपनी का रिजेंट आता है, इन सभी को मिक्स करके, और इनके साथ ही आपको गोबर की खाद कम से कम ये मान लीजिए 2 से 3 ट्रॉली ठीक तरीके से इनको मिक्स करके वेट के ऊपर दीजिए और वेट तैयार करा लीजिए। तो इस प्रकार आपको वेट तैयार कराना है। अब बात कर लेते हैं ड्रिप एरिगेशन। तो भाई साहब ड्रिप एरिगेशन, चुकंदर की खेती यदि आप वैज्ञानिक तरीके से कर रहे हैं, तो ड्रिप लगाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि खाद देने में, सिंचाई करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। तो चुकंदर की खेती में यदि आप बेड विधि से खेती कर रहे हैं और ड्रिप एरिगेशन टपक सिंचाई को आपको इंस्टॉल करना है, तो 16 mm इन लाइन ड्रिप एरिगेशन को आप लगा सकते हैं, काफ़ी सूटेबल रहती है। बात करते हैं उत्पादन बढ़ाने के लिए, उपज बढ़ाने के लिए खाद का शेड्यूल। जो किसान भाई साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो वे किस प्रकार खाद को देंगे, और जो किसान भाई ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो उनको कौन सी घुलनशील खाद का प्रयोग करना चाहिए, आइए सरल और आसान शब्दों में समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों किसान भाइयों बात करते हैं, जो किसान भाई हम बात कर रहे हैं खाद का शेड्यूल और जानकारी शेयर कर रहे हैं प्रति एकड़ की दर से। अब जो किसान भाई साधारण तरीके से ब्रॉडकास्ट विधि से या फिर छिटका विधि से या फिर एकदम परंपरागत तरीके से क्यारी विधि से भी खेती कर रहा चुकंदर की, तो साधारण तरीके से जड़ों के पास देकर आप सिंचाई कर सकते हैं। फर्स्ट कॉम्बिनेशन फर्स्ट खाद 35 से 40 दिन के आसपास की बुआई से क्रॉप होती है, तो साधारण तरीके से खेती कर रहा तो केवल एक कॉम्बिनेशन देने की आवश्यकता है। 45 किलोग्राम हमको यूरिया और उर्वरक खाद लेनी है। इसके अलावा मैग्नीशियम सल्फेट 5 किलोग्राम और हमको
मिक्स करना है माइक्रो न्यूट्रिएंट, सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त खाद किसी अच्छी कंपनी का, इन तीनों को मिक्स करना है, जड़ों के पास देकर सिंचाई कर दीजिए और आप रिजल्ट देखिए, केवल रिजल्ट देखिए, कितना अच्छा उत्पादन और फसल हरी भरी देखने के लिए मिलेगी, फसल एकदम स्वस्थ रहेगी और बढ़वार भी काफ़ी अच्छी लेगी। तो साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो इस खाद को आप दे दीजिए। अब बात करते हैं जो किसान भाई ड्रिप से खेती कर रहे हैं, तो आप इन खादों को चार चार पाँच पाँच दिनों के अंतराल पर इन खादों को छोड़ सकते हैं। हम आपको ड्रिप से जो किसान भाई खेती कर रहे हैं खाद का शेड्यूल आइए बतलाते हैं, समझाते हैं। फर्स्ट कॉम्बिनेशन, यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो 20 दिन से लेकर 35 दिनों के मध्य आप 5-5 दिनों के अंतराल पर इन खादों को 3-3 किलोग्राम दे सकते हैं। जैसे एनपीके घुलनशील खाद 19-19-19 3 किलोग्राम, एनपीके 17-44-0 3 किलोग्राम, इसके अलावा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट आता है 500 ग्राम, इनको आपको 5-5 दिनों के अंतराल पर प्रयोग करना है, एक दिन पर एक खाद। इस प्रकार 20 दिन से लेकर 35 दिनों के मध्य आप इन खादों का प्रयोग कर सकते हैं। सेकंड कॉम्बिनेशन, तो ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो घुलनशील खाद को आप छोड़ सकते हैं। ये मान लीजिए 40 दिन से लेकर 80 दिनों के मध्य 7-8 दिनों के अंतराल पर आप इन खादों को छोड़ सकते हैं। जैसे एनपीके 052-34 है 4 किलोग्राम, एनपीके 13-40-13 है 4 किलोग्राम, कैल्शियम नाइट्रेट को भी आप छोड़ सकते हैं, 0050 को भी आप छोड़ सकते हैं, डिस्प्ले पर आप देख रहे हैं। इन खादों को आप 7-8 दिनों के अंतराल पर आप प्रयोग कर सकते हैं। 3-4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से बेंचुरे के माध्यम से यदि आप इन खादों की पूर्ति करते हैं तो यकीनन कंद का काफ़ी अच्छा विकास होने वाला है। अब बात कर लेते हैं स्प्रे शेड्यूल। तो स्प्रे शेड्यूल भाई साहब काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, आवश्यक, अनिवार्य है। क्यों है? क्योंकि कई प्रकार की बीमारी, रोग, डिजीज आते हैं तो उनका प्रबंध भी बताएंगे और कब कौन सी दवा का आपको स्प्रे करना है, यह जानकारी भी एकदम सरल और आसान शब्दों में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि चुकंदर की क्रॉप पर कौन कौन से कीट आते हैं, आइए समझते हैं। प्रमुख रूप से सेमी लूपर्स आता है, एफिड्स आता है, इसके अलावा ब्लैक थ्रिप्स का भी प्रकोप देखने के लिए मिलता है, सफ़ेद मक्खी है, जैसिड है, वाइट फ्लाई है, पाउडरी मिल्ड्यूड है, बैक्टीरिया विल्ट की भी समस्या कहीं कहीं पर हल्की फुल्की देखने के लिए मिलती है, झुलसा आता है यानी ब्लाइट आता है, बैक्टीरियल ब्लाइट आता है, इसके अलावा रूट बोरर स्पेशल जड़ों को काटने वाली सुंडी प्रकोप देखने के लिए मिलता है, और साथ ही एंथ्रेक्नोज है, लीप स्पॉट है, और साथ ही सेमी लूपस है, DBM है, और तंबाकू इल्ली जैसे कीटों का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो तमाम प्रकार की समस्याएं तो आती हैं, इन्हें कैसे निपटा जाए, कैसे बचा जाए और हमारी फसल को कैसे प्रोटेक्शन एकदम सस्ते पर, कोशिश करिए कि कम लागत पर ज़्यादा मुनाफा आप चुकंदर की क्रॉप से निकाल पाएँ। तो हम बात कर रहे थे सस्ते पर बढ़िया काम हो जाए स्प्रे शेड्यूल। फर्स्ट जो स्प्रे है 35 से 40 दिन के आसपास की क्रॉप होती है बुआई से, तो चुकंदर की फसल पर फर्स्ट स्प्रे करना चाहिए 35 से 40वें दिन। अब फर्स्ट स्प्रे पर आपको वायर कंपनी की सोलेमोन इंसेक्टिसाइड आपको लेना है 12 ml, इसके अलावा कृषि रसायन कंपनी का पोषक सुपर आता है 25 ml ले लीजिए, 25 से 30 ml, इसके अलावा टाटा की जो तागत फंगीसाइट आती है इसको आपको लेना है 35 से 40 ग्राम। इन तीनों को मिक्स करके स्टिकर मिला करके आपको स्प्रे कर देना है। केवल चुकंदर की फसल पर भाई साहब केवल और केवल एक स्प्रे करने की आवश्यकता है, शानदार परिणाम देखने के लिए आपको मिलेंगे। तो केवल चुकंदर की फसल पर ज़्यादा कीट बीमारी रोग नहीं आती, थोड़ा सा ऑफ सीजन करते हैं तभी इतनी समस्याएं आती, बाकी कोई दिक्कत नहीं आती। कुछ किसान भाई तो ऐसे हैं और हम खुद कभी कभी एक भी स्प्रे नहीं करते हैं और चुकंदर की फसल पर काफ़ी अच्छा उत्पादन भी निकाल लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा ऑफ सीजन कर रहे हैं, गर्मियों के दिनों पर कर रहे हैं तो थोड़ा सा कीटों की और फंगस की समस्या आती है। तो इसके लिए हमने शानदार एकदम प्रैक्टिकली जानकारी के साथ एकदम स्प्रे शेड्यूल बतला दिया। तो इस प्रकार आप अपनी चुकंदर की फसल पर स्प्रे शेड्यूल आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं।
सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण यानी एरिगेशन और वीट कंट्रोल। तो भाई साहब, चुकंदर की फसल पर सिंचाई की आवश्यकता तो पड़ती है, लेकिन डिपेंड करती है सोयल। यदि थोड़ा सा हल्की भूमि है तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन थोड़ा सा काली मिट्टी है, एकदम भारी भूमि है, तो थोड़ा सा रुक रुक कर भी सिंचाई करेंगे तो अभी वाटर मैनेजमेंट को सुधार के रख पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो एक दो दो दिनों के अंतराल पर एक घंटे यदि 1 से 1.5 घंटे भी सिंचाई करते हैं तो अभी काफ़ी अच्छे सिंचाई कर लेंगे। और यदि आप स्प्रिंकलर से खेती कर रहे हैं, स्प्रिंकलर से सिंचाई कर रहे हैं तो 5-7 दिनों के अंतराल पर आप सिंचाई स्प्रिंकलर से कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप क्यारी नाली विधि से भी आप चुकंदर की खेती कर सकते हैं, ओपन फील्ड फार्मिंग भी खेती कर सकते हैं। 7-8 दिनों के अंतराल पर आपको सिंचाई करना है, लेकिन ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो आवश्यकता अनुसार न्यूट्रिएंट की और खाद की और सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो कम सिंचाई करें तो ज़्यादा बेटर और बढ़िया आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। एवं सिंचाई की अलग अलग विधियाँ होती हैं जो कि आप अलग अलग मेथड से सिंचाई कर सकते हैं, अलग अलग विधियों को अपना सकते हैं। जैसे रेन पाइप है, स्प्रिंकलर है, ड्रिप एरिगेशन से सिंचाई कर सकते हैं, ओपन फील्ड फार्मिंग यानी बहुआ पानी को भी आप दे सकते हैं। तो इस प्रकार सिंचाई की अलग अलग मेथड और विधियाँ होती हैं। अब बात करते हैं वीट कंट्रोल यानी खरपतवार मुक्त कैसे फसल को करें। तो देखिए, बाजार पर तो कई प्रकार की रासायनिक केमिकल्स वेस्ट दवाइयाँ उपलब्ध हैं जो कि वीट को कंट्रोल कर सकती हैं। हमने अक्सर देखा है, पिछला डेटा उठा करके और प्रैक्टिकली जानकारी शेयर कर रहे हैं, तो एक जो खेत है उस पर हमने खरपतवार नाशक का स्प्रे किया था, खरपतवार तो कंट्रोल हो गए लेकिन उत्पादन में गिरावट देखने के लिए मिली थी। तो हम आपको रिकमेंडेड करेंगे कि यदि आप अच्छे रिजल्ट चाहते हैं तो मजदूरों की सहायता से खरपतवार मुक्त को फसल करिए, यानी निराई गुड़ाई पर ही आप डिपेंड करिए। यदि आप खरपतवार मुक्त फसल को रखते हैं, निराई गुड़ाई से जो फसल को एकदम क्लीन रखते हैं, साफ सफाई बनाकर रखते हैं, तो यकीनन ये मान लीजिए कि काफ़ी अच्छी फसल में बढ़वार देखने के लिए मिलेगी। दुकानदार के पास जाएंगे, खरपतवार नाशक पकड़ा देगा, उतना अच्छा काम भी नहीं करेगा और फसल को झटका आता है, कम दिन की ये फसल है। तो फसल को आपको एक काम करना है कि खरपतवार मुक्त रखना, निराई गुड़ाई पर ही आपको डिपेंड रहना है, शानदार आपको रिजल्ट और परिणाम देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो इस प्रकार आपको चुकंदर की खेती करनी चाहिए, सिंचाई करनी चाहिए। बात करते हैं लाइफ साइकिल और कॉस्ट यानी लागत। तो चुकंदर की जो क्रॉप है कितने दिन की फसल है, आइए समझते हैं और फिर समझेंगे कितनी लागत लगती है। तो चुकंदर की जो फसल है, फर्स्ट जो हार्वेस्टिंग है तैयार होने पर लगभग 70 से 75 दिन पर एकदम तैयार हो जाती है, और स्टार्टिंग के जो दिनों पर एकदम मैच्योर एकदम जो तैयार हो जाते हैं, उन्हीं चुकंदर को खेत से आपको बाहर निकालना है और बाज़ार को आपको भेजना है। इसके अलावा ये मान लीजिए जो लाइफ साइकिल है 75 दिन से लेकर 90-95 दिनों पर, एकदम ये समझ लीजिए 90 दिन की यह क्रॉप 90-95 दिन तक चल जाती है। तो इस प्रकार लगभग 3 महीने के आसपास की यह क्रॉप मानी जाती है। थोड़ा सा वैरायटी पर भी डिपेंड करती है, कुछ वैरायटी थोड़ा सा अर्ली होती हैं, जल्दी तैयार भी हो जाती हैं, बाकी आप ये मोटा मोटी 90 दिन तो मान लीजिए। लागत यानी पर एकड़ कॉस्ट, तो एक एकड़ पर सभी एक्सपेंसेस को जोड़कर, चाहे स्प्रे के खर्च हों, खाद के खर्च हों, तो तकरीबन सभी को कैलकुलेशन निकाला जाए तो 22,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये के आसपास एक एकड़ का खर्च आता है, एक एकड़ में लागत लग जाती है। आइए समझते हैं बाजार भाव और उत्पादन कितना, प्रोडक्शन एक एकड़ पर होता है। सबसे पहले समझते हैं कि बाजार भाव मार्केटिंग रेट। तो भाई साहब, मार्केटिंग रेट फ्लेक्सिबल रहता है, कभी काफ़ी अच्छा मिल जाता है, ऑफ सीजन तो बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है, 35-40 रुपये के जी। तो जो एक एवरेज है किसानों को जो मिलने वाला जो कीमत है, जो बाजार भाव है, ये मान लीजिए 15 रुपये के जी से लेकर 45 रुपये के जी तक का रेट मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं प्रोडक्शन यानी उत्पादन पर। तो जो एक एकड़ का जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, ये मान लीजिए 120 से 130 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से हमको उत्पादन देखने के लिए मिलता है। बात करते हैं मुनाफा और आमदनी। भाई साहब, मुनाफा डिपेंड करता है बाजार भाव पर और उपज पर। यदि उत्पादन अच्छी हुई, उपज अच्छी प्राप्त हुई और बाजार भाव भी अच्छा मिला, तो यकीनन आमदनी काफ़ी अच्छी होगी।
तो जो बाजार भाव है हम एक एवरेज मान लेते हैं 15 रुपये केजी का ही हमको रेट मिल जाता है। अब 15 रुपये केजी यानी 15 × 100 तो मान लीजिए 1500 रुपये क्विंटल का ही हमको रेट मिल जाता है। और हमारी जो उपज हुई एक एवरेज मान लेते हैं 120 क्विंटल हमारी उपज प्राप्त हुई, तो ये मान लीजिए 1500 × 120 करेंगे तो ये मान लीजिए 180,000 रुपये के आसपास हमारा मुनाफा हुआ। अब मुनाफा में से हम लागत को घटा देंगे तो शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट आ जाएगा। 180,000 रुपये हमारा मुनाफा हुआ, 25,000 रुपये हमारी लागत लगी, तो 180 में से हम 25,000 रुपये को घटा देंगे तो जो हमारा नेट प्रॉफिट है 155,000 रुपये के आसपास शुद्ध मुनाफा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो हमारे किसान भाई यदि चुकंदर की खेती इस प्रकार 1 एकड़ पर करते हैं, वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं, यदि इस प्रकार न्यूट्रिएंट की पूर्ति करते हैं तो यकीनन उपज भी काफ़ी अच्छी प्राप्त होगी। और ऑफ सीजन खेती करते हैं तो हमने तो 15 रुपये केजी का ही रेट आपको बतलाया है, काफ़ी आपको अच्छा भी रेट मिल सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार यदि आप चुकंदर की खेती 2-4 एकड़ पर करते हैं तो यकीनन काफ़ी अच्छी आपको आमदनी होगी, काफ़ी अच्छा मुनाफा देखने के लिए मिलेगा और चुकंदर की क्रॉप से भी आप काफ़ी अच्छा मोटा मुनाफा निकाल सकते हैं और बाजार भाव भी आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ नया नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कर लीजिए, shivkumar095। तो मिलते हैं इसी प्रकार कृषि कार से जुड़ी नई नॉलेजेबल महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।